हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, तो आज हम सीरियल अनुपमा से जुड़े एक ऐसी अपडेट लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद अब हर कोई होने वाला है हैरान। खुलेगा वनराज का राज। प्रॉपर्टी डीलर बताएगा काव्य और किंजल को वनराज शाह की सच्चाई कि कैसे वनराज शाह ने पूरे परिवार को धोखे में रखा है और आखिरकार डीलर के साथ मिलकर वनराज शाह ने क्या प्लान बनाया है और उसने डीलर को मना किया है कि मेरे घर वालों को इसके बारे में कोई भी सच्चाई नहीं बताना है। लेकिन जब काव्या और किंजल को शक होता है तो वो सीधे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और आखिरकार उनसे मिलते हैं और उनसे पूरी सच्चाई पूछते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी डीलर कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन जब काव्या और किंजल उसे धमकाते हैं तो फिर इस दौरान अब प्रॉपर्टी डीलर वनराज शाह को इस पूरे मामले की सच्चाई बताता है। दरअसल सीरियल अनुपमा में ये बात तो सबको पता है कि वनराज शाह किसी का नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पे वनराज शाह ने पैसे का गबन किया है। दरअसल उसे पैसे मिले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने अपनी फैमिली से आधी पैसे की बात बताई है और उसने डीलर को भी मना किया है कि मेरे घर वालों को इस पैसे के बारे में और यानी कि जो पूरी अमाउंट है उसके बारे में जानकारी नहीं देना है। मैंने घर वालों को आधी अमाउंट के बारे में ही बताया है, तो आपने बोलना है कि हमें इतनी ही अमाउंट पे बात हुई है। जिसके बाद अब ये सच्चाई डीलर काव्या और किंजल को बता देता है कि वनराज शाह से मेरी डील हुई थी इतने अमाउंट में और उन्होंने मुझे बोला कि आधे अमाउंट मेरे घर वालों के सामने बताना है ताकि पूरे अमाउंट के बारे में घर वालों को पता नहीं चल सके। और साथ में डीलर ये भी बताता है कि घर वालों को 4 फ्लैट के बारे में ही वनराज शाह ने बताया है, जबकि मैं वनराज शाह को 5 फ्लैट देने वाला हूँ। अब काव्या और किंजल ये सोच रही हैं कि आखिरकार वनराज शाह ये 5वां फ्लैट किसको देंगे, आखिरकार ये 5वां फ्लैट किसके लिए है। अब आपको क्या लगता है, इतनी सच्चाई जानने के बाद क्या काव्या और किंजल वनराज शाह को बेनकाब करेंगे? शाह हाउस जाके क्या ये लोग हंगामा खड़ा करेंगे? क्या डिम्पी, काव्या और किंजल तीनों मिलकर पूछेंगे कि आखिरकार वो 3रा फ्लैट किसके लिए है और बाकी का जो अमाउंट है वो आखिरकार वनराज शाह ने क्यों छुपाया है?